तेज भगा ना तेज। अरे मेरा प्यारा बच्चा, हंसते हुए कितना प्यारा लगता है। मेरी दुआ है कि जिंदगी भर हंसता रहे। अबे वो इतना बड़ा हो गया है, गधे की तरह हंसता रहता है। चल दही लेके आ फौरन। लारो 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 दही लाने ला। दही ले आओ। काश इसकी हंसी रुक जाए किसी तरीके से। ए बरखुरदार, कहाँ गए थे? 2 घंटे से दही लेने निकले हुए हो, अब आ रहे हो? दही लेने गए थे, मनाने गए थे? अरे पापा बड़ा रश था यार, 2 घंटे से इतनी लंबी लाइन थी, क्या बताऊँ आपको यार, ले तो आया। इस बात पे भी हंस रहा है, ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा जो बिगड़ा हुआ है ये। सीरियस हो जा, इतना बड़ा हो गया है। सीरियस? इससे ज्यादा सीरियस नहीं होता पापा, मेरा ये बेस्ट था। बेस्ट था? ऑडिशन चल रहा है तेरा? देखिए देखिए, आपके कहने पे भी नहीं रुक रहा, बचपन में एक हाथ थप्पड़ लगा दिया होता ना तो यहाँ जैसा ना होता। थप्पड़? एक तरीका है बेगम, ठीक हो जाएगा ये। क्या? इसकी शादी करा देते, इसकी भी हंसी गायब हो जाएगी जैसे मेरी हुई है। शादी? मेरी दुल्हन आएगी? क्या मतलब आपका? घर के माशी हालात सही नहीं है, आप पहले इसकी नौकरी लगवाएं फिर शादी की बात करिएगा। ये मशवरा अच्छा है, कल मैं अपने दोस्त के पास इसको भेज दूंगा, इंटरव्यू ले लेगा इसका, टकाटक जॉब पे भी रख लेगा। और बोलो। नंबर अच्छे हैं तुम्हारे। थैंक यू। जॉब वॉब कर लोगे? हाँ कर लूँगा जॉब। छुट्टी वुट्टी तो नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं, मैं तो सर संडे को भी आऊँगा। हाँ नहीं, संडे को आने की जरूरत नहीं है, जमादार आता है। कभी हंस भी लिया करो। गुड, तुम्हारी यही एफर्ट एक दिन हमारी कंपनी को आसमानों पे लेके जाएगी। 24वें फ्लोर पे ऑफिस है, क्या चांद पे बनाएगा? हैं? क्या? चलो मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। बेटा आई एम रियली वेरी सॉरी, अभी आधा इंटरव्यू हुआ है, आधा बाद में होना है। एक्चुअली फैमिली इमरजेंसी हो गई है और मेरी सास का इंतकाल हो गया है। सास का इंतकाल हो गया? इनकी सास चल बसी। बड़ा अफसोस हुआ। मेरी सास का इंतकाल हो गया और तुम यहाँ पे हंस रहे हो? अरे अफसोस किया तो है, बाप का साथ चराजे में चलूं आपके? मतलब कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। बड़ी बुरी खबर सुनाई आपने। तुम यहाँ पे जॉब करने आए हो या हंसने आए हो? टू टाइम्स। क्या हुआ, मुंह पे हाथ क्यों रखा हुआ है? पापा वो आपका दोस्त है ना, उससे मेरे मुंह रख के थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मार दिया क्यों? यार पता नहीं पापा, इंटरव्यू सीधा साधा चल रहा था, मैं पूरी तैयारी के साथ गया था, बीच में किसी की कॉल है, गिन लगे आपकी सास चल बसी है, तो मैंने बोला ये तो अफसोस की बात है आपकी सास चल बसी है। देखिए मैंने कोई बुरी बात नहीं की, मैंने अफसोस किया, पता नहीं थप्पड़ मार दिया मुंह पे। मैं भी नहीं कर रहा यार नौकरी। नौकरी वगैरह तो बरखुरदार ने करनी नहीं है। वो हमारे मोहल्ले में मंसूर साहब है ना, उनकी बेटी से शादी करवा देते हैं। ये मंसूर साहब का नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे में हंसी आ जाती है बड़ी, हैं? क्यों? खैर अच्छा मशवरा दिया है, कल चलते हैं मंसूर साहब के घर रिश्ता लेने। मैं भी चलूंगी। खाना पकाओ जाके। मैं भी चलूंगी। जावेद साहब निहायत खुशी हुई कि आप हमारे घर में तशरीफ लाए। बेटा आपका इसमें ग्रामी। मेरा नाम मेरा नाम मुनीब। हाँ मुनीब, बहुत खूब, बहुत प्यारा नाम है। बेटा नौकरी तो आपकी है नहीं और आपके वाले साहब तो रिटायर होने वाले हैं, तो आप उन्हीं की गद्दी संभाल लीजिएगा। हाँ मैं संभाल मैं बिल्कुल इनके ऑफिस का काम संभाल लूंगा, बल्कि इनसे अच्छा इनके ऑफिस का काम करके दिखाऊंगा। भाई जावेद साहब मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। पक्का? लेकिन जावेद साहब
एक इल्तमास आपसे करनी थी। इल्तमास की बात कीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए। अब जैसा कि आपकी हमारी शिदारी तो हो ही चुकी हो गई, हम गरीब सफेद पोश लोग हैं, जहेज तो दे नहीं सकते। मैं सोचा था कि अपनी बेटी की शादी इंतहाई सादगी से करूं और उसे दो चार जोड़ों में ही रुख्सत कर दूं। ओए क्या कर रहे हैं? ओए कह रहे हैं कि सफेद पोश लोग हैं और दो चार जोड़े कितने अच्छे हो गए। तो ओए तुझे मुझे कोई नाक कटवाएगा कि जूते फड़वाएगा मुझे? अरे मैं यही तो बोल रहा हूं आपसे, तो सादगी से कर रहे हैं ना तो अच्छी बात है, पैसे भी बच जाएंगे हमारे। ओए चुप हो जा, चुप जा भी साहब। अगर हमें यूं ही रुस्वा करना था तो आप हमें अपने घर बुला लेते, लेकिन हमारे पूरे खानदान के सामने हमें जलील ना करते। हम गरीब जरूर हैं लेकिन इज्जतदार हैं। निकल जाइए हमारे घर से। अरे मंसूर साहब बात तो सुनिए। पापा वो कह तो रहे कि निकल जाइए घर से, अब आपको क्या जूते खाने की आदत हो गई है? चलो चलो पापा। और तेरी असली लसन लगवा देगी कि नहीं, मैं बता रहा हूं। शादी वादी नहीं हो सकती इसकी, सारी जिंदगी का हमारा रहेगा। शादी तो मैं इसकी करा के रहूंगा, देख लेना डाल लिया मैंने भी। हाँ कौन करेगा इससे शादी? तुमसे भी तो की ना मैंने शादी। मेरी बहन, बहन की बेटी से कराएंगे शादी? उनको तो मसला भी नहीं पैसे का, नौकरी का, अपनी दूध की दुकान है उनकी, बिठा देंगे इसको भी, दूध बेचता रहेगा। पहले भी दूध वाले का बेटा लगता है। चलो कंटिन्यू द डायलॉग। मैं तो कह रही हूँ कल नहीं आज ही आप इसका रिश्ता तय कीजिए। इनको अपने कमरे में भेजें, क्या ये सारी रात यूं ही सोफे पे गुजारेंगे? बच्चों वो थोड़ा सारी रात सुबह में बैठे रहोगे, जाओ कमरे वमरे में जाके। थोड़ा गला खराब हो गया ना, कब से आवाज बना बना के बातें कर रहा हूँ। कमरे में जाके थोड़ा आराम से आराम कर लो, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? जाओ। तुम बड़ा सही हो, उनको कमरे में जाने का बोल रहा, तुम्हें नहीं बोल रहा। हाय दैया, ये क्या गजब हो गया? अरे बेगम ये क्या हो गया? उठो, लगी तो नहीं तुम्हें? हाथ धो अपना। मेरी टांग टूट गई। टांग टूट गई? मेरी दुल्हन की टांग टूट गई, टूट गई टांग, टूट गई मेरी दुल्हन लंगड़ी हो गई। चुप चुप, ये साले बड़े हंस रहे हैं। शादी की रात भी टूटी जाएगी, टांग टूट गई इसकी। क्या बोल रहे थे तुम? मैं लंगड़ी हो गई, मेरी टांग टूट गई, पेपर भिजवा रही हूँ, तलाक के साइन करके भेज देना। हाँ लो भाई। अरे हो गया, तलाक सुनाओ। तो टांग टूट गई थी। खैर फनी वीडियो है। शादी की रानी छोड़ के भाग गई, पापा मुझसे कह रही मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब एक टांग पे कहां तक भागेगी, उड़ के जाएगी क्या? लो तुम उधर नसी रोक लेती ना तो ये नतीजा नहीं देखना पड़ता हमें। भाग गई यार, बीवी भाग गई मेरी। पापा बीवी भाग गई मेरी। ऐसी बातें बोलेगा शादी की रात में तो भागेगी? पापा मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। इसकी बीवी इसके साथ ही नहीं रहना चाहती। पापा वो कह रही है मैं पेपर्स भिजवाऊंगी, डिवोर्स के पेपर्स पे साइन कर देना। अरे पापा मेरी बीवी भाग गई है। बीवी भाग गई, भाग गई मेरी बीवी।